हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ओम प्रकाश आनंद, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। तो देखो बच्चों, आज लास्ट पंच है जो अपन डिस्कस करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों चैप्टर से नीट के अंदर एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन। तो देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ओके, ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो पी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू वन होती है, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो एल इज इक्वल टू वन, तो पुट करो इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन वन प्लस वन इज एच अपॉन टू फाइव। तो फॉर्मूला हो जाएगा रूट टू एच अपॉन टू फाइव। तो ये आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, देखो ऐसा ऑप्शन तो कहीं नहीं दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई और रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा, एच अपॉन रूट टू पाई, क्योंकि टू से रूट टू क्या होता है टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच अपॉन रूट टू पाई। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड लाइन इन बाल्मर सीरीज कॉरेस्पॉन्ड टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन विच बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन। यानी बाल्मर श्रेणी की तीसरी रेखा हाइड्रोजन परमाणु की किस बोर कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन संक्रमण से बनती है। तो देखो पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, इसमें एन वन की वैल्यू क्या होती है वन और एन टू की वैल्यू क्या होती है टू थ्री फॉर से लेके इनफाइनाइट तक। फिर है बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज एन वन की वैल्यू क्या होती है टू और एन टू की वैल्यू क्या होती है थ्री फोर फाइव सिक्स से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, बाल्मर श्रेणी की तीसरी रेखा। तो देखो बाल्मर श्रेणी एन वन की वैल्यू टू, एन वन की वैल्यू से आपको श्रेणी का पता लगेगा, लाइमन है, बाल्मर है, पासन है, फंड है, तो एन वन की वैल्यू टू है तो बाल्मर सीरीज होगी। और इसकी थर्ड लाइन है, तो देखो पहली लाइन तो क्या होगी, फर्स्ट लाइन में एन वन एन टू की वैल्यू क्या होगी थ्री, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन। तो देखो थर्ड लाइन के लिए N2 की वैल्यू क्या होगी 5, तो जो ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां होगा, N बराबर 5 से N बराबर 2 की ओर, N बराबर 5 से 2 की ओर क्या होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ N इज इक्वल टू 6 द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसका सही ऑर्डर क्या होगा अगर n इज इक्वल टू 6 है, तो आप आओ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में भरेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, हायर एनर्जी में भरेंगे। तो n इज इक्वल टू 6 है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखो आप, तो क्या आएगा 6s 6p 6 माइनस 1 कितना हो गया 5d r 6 माइनस टू 4f। तो अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किए जाते हैं और इसमें कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, n प्लस l। तो देखो n की वैल्यू ये है और l की वैल्यू क्या होगी, जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है जीरो, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू वन, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू टू।
तो देखो ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 6 प्लस 0 कितना हो गया 6, 6 प्लस 1 7, ये 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7। क्या ये सही ऑर्डर है? बिल्कुल सही ऑर्डर नहीं है, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू क्या है इसके अंदर, सेम है इन तीनों में। इसमें तो ठीक है लेकिन इनमें क्या है, सेम है। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है, इफ सेम देन इलेक्ट्रॉन फिल इफ n ग्रेटर देन l, यानी जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाएंगे। देखो इसमें n की वैल्यू क्या है, 3 है, सॉरी n की वैल्यू 4 है, इसमें n की वैल्यू क्या है, 5 है, इसमें n की वैल्यू क्या है, 6 है। तो बिल्कुल एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सेकंड देखो, इसमें ns, n की वैल्यू 6 है, ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 4f, ये हो जाएगा 5d और ये हो जाएगा 6p। तो देखो n प्लस एल की वैल्यू इन तीनों में क्या है, सेम है, लेकिन जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है वो पहले 6s, बाद में 4p, बाद में 5d, बाद में 6p। इसकी n प्लस एल की वैल्यू 6, इसकी 7, इसकी 7 और इसकी 7। बाद में किससे देखोगे, जिसमें n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हायर एनर्जी है, उसके बाद में इसकी एनर्जी कम, उसके बाद में इसकी एनर्जी कम, और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 6। तो इलेक्ट्रॉन का फिल होने का ये सही ऑर्डर, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स विल हैव जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन वाई जेड प्लेन, यानी वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसमें क्या है, जीरो है। तो देखो सबसे पहले पीएक्स ऑर्बिटल है, ये देखो क्या हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस, तो पीएक्स ऑर्बिटल क्या होगा, ये पीएक्स ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें वाई जेड प्लेन कौन सा हो गया, ये वाई एक्सिस है, जेड प्लेन क्या हो गया, जेड एक्सिस इसके जस्ट अपोजिट होगी। तो देखो ये जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन है, और इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन ए हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी किस में लार्जेस्ट अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो एनर्जी ई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, और वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, आर एच जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, अगर आपको एन वन और एन टू की वैल्यू दे रखी है, तो ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। तो एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब देखो एन वन और एन टू की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, गिवन है। देखो एन वन की वैल्यू क्या पुट करो, वन पुट करो, तो पहले ऑप्शन में एनर्जी ई वन क्या आ जाएगी, ई वन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, या प्रोपोर्शनल साइन को आप हटा दो, तो एन वन की वैल्यू वन पुट करो, तो वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस एन टू की वैल्यू क्या पुट करो, टू, तो टू का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन फोर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर माइनस का वन कितना आ जाएगा, थ्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री बाई फोर। तो ये वैल्यू की एनर्जी क्या हो जाएगी, थ्री बाई फोर। सेकेंड एन वन की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, टू, एन टू की वैल्यू क्या पुट करोगे, थ्री। तब आप रेंडमली पुट करके देख लो, देखो यहाँ पे एन वन की वैल्यू टू पुट करोगे तो वन बाई फोर माइनस वन अपॉन नाइन, तो कितना आएगा, नाइन माइनस फोर फाइव अपॉन कितना आ जाएगा, 96। तो ये आ जाएगा ई टू इज इक्वल टू फाइव अपॉन 36, ठीक है। थर्ड में देखो क्या हो जाएगी, एनर्जी
एन वन की इनफाइनाइट, तो जीरो जीरो माइनस का वन अपॉन वन का स्क्वायर, इसकी आ जाएगी माइनस का वन अपॉन वन, और इसकी और ही ज़्यादा कम आएगी, इसकी एनर्जी कितनी आएगी, वन अपॉन एन वन वन अपॉन नाइन माइनस का वन अपॉन ट्वेंटी फाइव, तो इसकी एनर्जी तो क्या आ जाएगी, सबसे कम आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी थ्री बाई फोर, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू अब्जॉर्ब ए फोटोन बट नॉट टू एमिट ए फोटोन। तो देखो, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्तर जो हाइड्रोजन परमाणु को एक फोटोन अवशोषित तो करने देगा लेकिन एक फोटोन उत्सर्जित करने नहीं देगा, क्योंकि अब इसमें देखो कैसे करोगे आप, किसकी एनर्जी सबसे कम है, तो सिंपल एन प्लस एल से आप एनर्जी का पता कर सकते हो किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। तो देखो इसकी एनर्जी एन प्लस एल से कितनी होगी, थ्री, इसकी भी कितनी होगी थ्री, इसकी कितनी होगी टू, और इसकी क्या होगी वन। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, वन एस ऑर्बिटल की। तो एक फोटोन को अब्जॉर्ब तो कर लेगा लेकिन फोटोन को रिलीज नहीं कर सकता, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो रुबिडियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 37। तो देखो रुबिडियम आपको सबको पता है कौन से ग्रुप में आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और इसके ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा 1s, ये 2s ऑर्बिटल, ये 3s ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल और ये 5s ऑर्बिटल। तो जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा, 5s में आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रुबिडियम में किस में आएगा, 5s1 में। अब देखो इसके अंदर n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 5। l की वैल्यू क्या होगी, s ऑर्बिटल के लिए क्या होगी, 0। तो देखो चार क्वांटम नंबर होते हैं n, l, m और s। n यहाँ पे क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l यहाँ पे क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, m है यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s है स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 5, और जो l की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू से क्या होगी, हमेशा कम होगी, इक्वल भी नहीं होगी। तो l की वैल्यू कितनी है, इस ऑर्बिटल में 0 है तो l की वैल्यू 0 है। अब m की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, m की वैल्यू क्या होगी, माइनस l 2 प्लस l, आपको 0 क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो देखो इसकी वैल्यू, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, माइनस 0 टू प्लस 0 तो कुछ होगा लेकिन 0 इंक्लूड है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस 1/2। ये स्पिन क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ l की वैल्यू क्या है, 1 है, या n की वैल्यू क्या है, गलत है, n की वैल्यू कितनी होगी, 5, जबकि यहाँ पे कितनी देर की है, 6। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ e अपॉन m, यानी चार्ज और मास का रेशियो निकालना है, जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ऑप्शन में चार्ज और मास का, तो आप पर्टिकुलर एक एक का e अपॉन m कैलकुलेट कर लो रहे, और जो लोएस्ट है वो क्या हो गया, फर्स्ट में आएगा। तो देखो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, मास हो गया। फिर बात करता हूँ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, और मास कितना होगा, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। फिर
बात करता हूं मैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? चार्ज जीरो होगा, तो ई अपॉन एम भी क्या हो जाएगा इसके लिए जीरो होगा, सिंपल सी बात है। फिर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? टू हीलियम फोर, टू हीलियम फोर इज अल्फा पार्टिकल, और इसका ई अपॉन एम क्या होगा? मास तो कितना, चार्ज तो कितना है इसका? टू, और मास कितना है? फोर, तो क्या हो जाएगा? वन बाई टू। तो ई एम एम इसके लिए क्या हो जाएगा? वन बाई टू। इसका ई अपॉन एम क्या होगा? चार्ज अपॉन मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ई अपॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो लगभग कितना आएगा? 10 की पावर प्लस का 12 आएगा। इसमें देखो आप, ई अपॉन एम, ई कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। तो आप क्या करो, पावर्स को सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर प्लस का 8 आएगा। तो ये वैल्यू है देखो, ई अपॉन एम की चारों पार्टिकल्स के लिए आपने कैलकुलेट कर लियो। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की है। उसके बाद में किसकी होगी? उसके बाद प्रोटॉन की, उसके बाद में किसकी होगी? अल्फा पार्टिकल की, और उसके बाद में किसकी होगी? न्यूट्रॉन की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इससे पूरी इंफॉर्मेशन पता हो जाएगी, क्वेश्चन भी पूछ लिया अगले ने, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होगा, ये भी आपसे कैलकुलेट करवा लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी किसका अरेंजमेंट है वो इम्पॉसिबल है, यानी गलत है। तो देखो इसके लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। पहली, एन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे? एल से। सेकेंड, एम की वैल्यू होगी वो माइनस एल टू प्लस एल होगी और इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एस है, स्पिन क्वांटम नंबर है, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस वन बाई टू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जीरो नहीं हो सकती, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, क्या एन की वैल्यू एल की वैल्यू से क्या है? ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। क्या एम की वैल्यू एल की वैल्यू में माइनस टू के बराबर आ सकती है क्या? तो देखो एम की वैल्यू क्या हो सकती है? एल की वैल्यू माइनस टू प्लस टू, बिल्कुल हो सकती है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकेंड, एन की वैल्यू फोर हो सकती है, एल की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, यानी एन की वैल्यू है उसमें एल की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एन की वैल्यू हमेशा एल की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। एम की वैल्यू जीरो भी पुट हो सकती है, वन बाई टू, सेकेंड भी सही है। थर्ड, एन की वैल्यू थ्री है, एल की वैल्यू टू है, लेकिन एम की वैल्यू क्या होगी? माइनस थ्री नहीं होगी, क्योंकि एम की वैल्यू माइनस टू से प्लस टू के बीच में होगी। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये अगर आपके माइंड में है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3p ऑर्बिटल एक 3p कक्षक में होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में स्फेरिकल लॉर्ड पूछा है, तो स्फेरिकल लॉर्ड या रेडियल लॉर्ड एक ही होते हैं, तो रेडियल लॉर्ड ऑब्लिक स्फेरिकल लॉर्ड इक्वल टू क्या होगा? एन माइनस का एल माइनस का वन। ठीक है, और नॉन स्फेरिकल लॉर्ड या एंगुलर लॉर्ड उसको किस से रिप्रेजेंट करोगे? एल से रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो इसमें 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल में एन की वैल्यू क्या होगी? थ्री, और एल की वैल्यू क्या होगी? वन होगी। तो देखो रेडियल लॉर्ड क्या है, एन की वैल्यू थ्री पुट करो, एल की वैल्यू वन माइनस का वन, तो देखो कितना आएगा? वन आएगा। कौन सा नोड? रेडियल या स्फेरिकल नोड। सेकंड है नॉन स्फेरिकल नोड, तो वन क्या हो गया? स्फेरिकल। नॉन स्फेरिकल नोड किसे रिप्रेजेंट करोगे? एल से। तो देखो इस 3p ऑर्बिटल में एल की वैल्यू क्या है? वन है, तो वन क्या हो गया? नॉन स्फेरिकल नोड हो गया, और वन ही क्या हो गया? रेडियल नोड हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में आपको एनर्जी दे रखी है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है?
माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिटल में एनर्जी कितनी दे रखी है, माइनस का 13.6 दे रखी है। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, माइनस का 13.6 जेड की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू भी क्या है 1 का स्क्वायर, तो माइनस का 13.6। जेड यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है। पूछा क्या इसमें, द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के अंदर पूछा है। तो देखो ग्राउंड स्टेट क्या होगी, ये ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होगी 1। और फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की बात करूं मैं, यहां पे एन की वैल्यू क्या होगी 2। तो आपसे क्या पूछा है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर बोर ऑर्बिट की रेडियस पूछिए, यानी एनर्जी, सॉरी एनर्जी पूछिए। तो इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस का 13.6 जेड की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो माइनस का 13.6 बाई 4, तो ये लगभग कितना आएगा, माइनस का 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, सॉरी 4 नहीं 3 टाइम्स जाएगा इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर एन और एल, एन और एल क्वांटम नंबर दे रखे हैं। एन की वैल्यू कितनी है 4, एल की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 0। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रिप्रेजेंट करना है इनको, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, देखो n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी, 4 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 5, यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी 4, प्लस 0 क्या हो जाएगी 4, और यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो देखो दो ऑर्बिटल में n प्लस एल की वैल्यू सेम है, और दो में क्या है n प्लस एल की वैल्यू सेम है। तो देखो सबसे पहले तो n प्लस एल की वैल्यू आप रिप्रेजेंट करोगे, सब में n प्लस एल की वैल्यू का एडिशन करोगे, उसके बाद में देखोगे उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जिसमें n की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो देखो इन दोनों की बात करता हूँ मैं, इन दोनों में क्या है n प्लस एल की वैल्यू क्या है सेम है, लेकिन n की वैल्यू किस में ज़्यादा है, n की वैल्यू इसमें ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। तो फर्स्ट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में n प्लस एल 4 है, यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू 5 है, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा थर्ड। इन दोनों में n प्लस एल की वैल्यू क्या थी सेम थी, लेकिन उसकी एनर्जी ज्यादा होगी जिसमें n की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। उसके बाद में दोनों देखो n प्लस एल की वैल्यू क्या है 4, और इसमें भी n प्लस एल की वैल्यू क्या है 4, जिसमें n की वैल्यू किस में ज़्यादा है, n की वैल्यू इसमें ज़्यादा है, कौन से में सेकंड में, तो सेकंड की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी किससे फोर्थ से। तो देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट है उसके बाद थर्ड सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नाइट्रोजन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s7, IIT JEE में क्वेश्चन आ चुका है, इट वुड हैव एनर्जी लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन, ये नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में कॉन्फिगरेशन दे रखा है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन वुड बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, येट 1s7 इज नॉट ऑब्जर्व बिकॉज इट इज वॉयलेट्स, यानी कि यद्यपि 1s7 को देखा नहीं गया क्योंकि ये नियम उल्लंघन करता है, तो किसका उल्लंघन करेगा। तो सबसे पहले देखो तीन रूल है, ये रूल तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है। पहला है हुंड रूल, हुंड रूल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, और पेयरिंग उसके बाद में करोगे जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, तो हुंड रूल हो नहीं सकता। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी अपोजिट होगी, लेकिन यहाँ तो
एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब कौन से रूल को, ये कौन से रूल का उल्लंघन कर रहा है, पाउली एक्सक्लूजन लॉ का। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए स्फेरिकल सेल ऑफ इनफाइनाइट थिकनेस डी आर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। द वॉल्यूम ऑफ दिस सेल इज 4πr² dr। यानी कि सेल का वॉल्यूम आपको दे रखे। द क्वालिटेटिव स्केच ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ पी ऑन आर। तो हाइड्रोजन परमाणु की 1s इलेक्ट्रॉन की नाभिक से r दूरी पर, तो ये कोई हाइड्रोजन एटम है जिसका न्यूक्लियस है और इससे r डिस्टेंस पे r दूरी पर एक अनंत सूक्ष्म मोटाई की थिकनेस है dr, जिसका वॉल्यूम है 4πr² dr। तो देखो, सबसे पहले आप नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन की। तो नंबर ऑफ टोटल नोड निकाल लो आप, तो टोटल नोड क्या होंगे, n माइनस का 1, और 1s के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो इसके अंदर नोड कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नोड क्या हो गया, 0। अब देखो 1s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड क्या होगी, 0। तो आप जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस क्वेश्चन में देखो, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, देन आफ्टर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। द डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा एसोसिएट विद ए फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज। तो देखो, वी नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यहाँ पे यूज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट फाइव। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, वेवलेंथ पूछा है लेमडा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है लेमडा की फॉर्म में, डी ब्रोगली वेवलेंथ से लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। और पी को आप क्या लिख सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। तो जो लेमडा है वो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन म्यू माइनस का म्यू नॉट की। तो देखो, ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन साइन स्क्वायर एंड आर आर ए रेडियल डिस्टेंस इज शोन बिलो। दिस रिप्रेजेंट साइन स्क्वायर तथा आर रेडियल दूरी के बीच में ग्राफ नीचे प्रदर्शित है, यह दर्शाता है। ठीक है, तो आप इसको नोड से देखो, आप अगर एक बार प्लस से माइनस की ओर मूव करता है तो यहां पे एक नोड होता है, नोड कितना हो जाएगा, 1। अगर दो बार क्रॉस करता है तो नोड कितना हो जाएगा, 2। तो देखो, साई क्या है, वेव फंक्शन है, साई इज द वेव फंक्शन, साई यहाँ पे क्या है, वेव फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। और वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन साई स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव।
तो साइंस कर और आर के बीच में एक नोड है, यहाँ पे नोड कितना है, वन है। तो आप ऑप्शन में चेक करो किस में नोड वन दे रखे, तो 3s ऑर्बिटल है, इसमें नोड कितना होगा, तो नोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 माइनस s ऑर्बिटल के l की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस का 1। तो यहाँ पे कितने नोड होंगे, फर्स्ट ऑप्शन में 2 नोड, 1s ऑर्बिटल, तो 1s ऑर्बिटल में नोड कितने हो जाएंगे, 1 माइनस 0 माइनस 1, तो नोड कितना हो जाएगा 0, तो इसमें नोड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 2p ऑर्बिटल, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 2, तो 2, l की वैल्यू क्या है 1 माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो देखो इसके अंदर 0 नोड होगे और इसमें नोड कितने होंगे, n की वैल्यू 2 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस का 1, तो इसमें क्या है 1 रेडियल नोड है। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा, 1 रेडियल नोड होगा, और यहाँ भी देखो ये ग्राफ को एक बार टच कर रहा है, तो नोड कितना हो जाएगा 1। तो 16 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट। तो देखो रिट्ज फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, ये रिट्ज फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो देखो एन वन क्या है, टाइप ऑफ सीरीज, और एन टू क्या है, टाइप ऑफ लाइन ऑफ सीरीज, ये एन टू की वैल्यू, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, एन टू की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो आपसे सीरीज पूछिए कौन सी सीरीज होगी, तो देखो इसके अंदर दोनों का जो रेशियो दे रखा है आपको वो कितना है, 9, वेवलेंथ का रेशियो 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू की वैल्यू, आप मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या पुट करोगे, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू एन टू, सॉरी एन वन का स्क्वायर अपॉन एन वन का स्क्वायर, इसको आप 2 दे दो और इसको क्या नाम दे दो, 1 दे दो, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 3:1। तो देखो एन वन की वैल्यू 3 किसके लिए आएगी और 1 किसके लिए आएगी, तो एन वन की वैल्यू अगर 1 है तो कौन सी सीरीज होगी, लाइमन सीरीज, और एन टू की वैल्यू अगर 3 है तो कौन सी सीरीज होगी, फास्टन सीरीज। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन दे रखा है, एन वन लाइमन और फास्टन, सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 18, द इलेक्ट्रॉन आर मूव लाइकली टू बी फाउंड, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ज्यादा संभावना कहाँ पे है। तो देखो आप इस साइड मूव करोगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। आप जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम प्रोबे बिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक तो सी पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। आप इस डायरेक्शन जाओगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, इन द रीजन ए एंड बी, ए एंड बी, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इन द रीजन ऑफ ए एंड सी, तो ए और सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोवेस्ट, देखो किस में 2s ऑर्बिटल में एनर्जी लोवेस्ट होगी, तो देखो पोटेशियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। तो इस
में क्या होगा, जो 2s ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम अट्रैक्शन 2s ऑर्बिटल इन दिस पोटेशियम शो मैक्सिमम अट्रैक्शन, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा देन मैक्सिमम जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी सबसे लोवेस्ट होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है ये नीट के अंदर, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। द डाटा फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है उसके डाटा दे रखे आपको, जब कंसंट्रेशन क्या है 0.10 है तब ए की कंसंट्रेशन 0.012 होगी, बी की 0.035 होगी, तो आप एक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर लो, आर इक्वल टू जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इक्वल टू के, आपको पूछा रेट लो तो ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये आप एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर लो। ए और बी यहां पे क्या है रिएक्टेंट है, एक्स और वाई क्या है रिएक्टेंट, ए और बी की क्या होगी पावर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट इनिशियल रेट क्या होगी 0.10 इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.012, ये है 0.012 की पावर एक्स, बी की क्या है 0.035 की पावर वाई, ये इक्वेशन क्या होगी एक होगी। ऐसे करके आप चार इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पर तो आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे चार इक्वेशन बनाओगे तो क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और तो यहाँ पर तो इसको बना लेते हैं। सेकंड है 0.80 इज इक्वल टू के 0.024 की पावर एक्स 0.70 की पावर वाई, ये एक्सप्रेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। ऐसे थर्ड लिख लो आप, तो इस थर्ड में क्या होगी रेट 0.10 इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या है 0.024 की पावर एक्स, सेकंड क्या है 0.035 की पावर वाई, ये इक्वेशन क्या होगी थर्ड। फोर्थ क्या है 0.80 इज इक्वल टू के, ए क्या है 0.012 की पावर एक्स, और बी की कंसंट्रेशन क्या है 0.70 की पावर वाई, ये इक्वेशन क्या है फोर्थ है। ऐसे आप चार इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। अब देखो आपको एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर दोगे, जब वाई की वैल्यू सेम होगी ऊपर और नीचे तो आप इनको क्या कर सकते हो कैंसिल आउट कर सकते हो। तो वाई की वैल्यू सेम कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे सेम है फर्स्ट इक्वेशन में, एक इसमें थर्ड इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करो, फर्स्ट डिवाइड बाई थर्ड, तो देखो फर्स्ट में क्या है 0.10 अपॉन थर्ड में कितना है 0.10 इज इक्वल टू के, फर्स्ट में क्या है 0.10 की पावर एक्स और 0.035 की पावर वाई, नीचे के ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.024 की पावर एक्स और बी की क्या है 0.035 की पावर वाई, तो देखो ये कैंसिल आउट होगी, ठीक है। ये इधर भी क्या है कैंसिल आउट होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, के से के कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट गया, तो 12 का 24 में 2 टाइम्स जाएगा तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 की पावर एक्स, ठीक है। और 1 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 0, तो किसी भी कोफिशियंट की पावर 0 क्या होती है हमेशा 1 होती है, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। सेकंड देखो आप, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो x की वैल्यू
सॉरी जीरो आएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो पहले ऑप्शन में एक्स की वैल्यू जीरो है और दूसरे ऑप्शन में एक्स की वैल्यू जीरो है, तो आपको बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो बी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे आप, बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन किस में सेम है, सेकेंड और थर्ड में सेम है। तो इक्वेशन सेकेंड को आप इक्वेशन थर्ड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कुछ ऐसा ऐसा आंसर रहेगा। तो सेकेंड क्या है, 0.80 अपॉन थर्ड में क्या है, 0.10 इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जब सेकंड में आप थर्ड से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 0.70 अपॉन 0.035 की पावर y। x की वैल्यू तो कैलकुलेट कर चुके, कितनी आई, जीरो। तो ये इसमें कितनी टाइम्स जाएगा, टू टाइम्स जाएगा, इसमें इसका कितनी बार जाएगा, एट टाइम्स। तो एट इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 4, और एट को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, x की वैल्यू क्या है, 0। तो यहां पे आप क्या पुट करोगे, r इक्वल टू के, a की पावर क्या है, 0, और b की पावर क्या है, 3। ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, कोई रिएक्शन है ए से बी फर्स्ट ऑर्डर, इफ के इज द रेट कॉन्स्टेंट एंड इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज 0.5, देन हाफ लाइफ पीरियड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड है, नहीं करता है। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन के, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। देखो इसमें कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे यूज भी नहीं होगी, 0.5 का कोई काम नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ये कहाँ पे यूज होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ में और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ में ये यूज होगी। अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो आप 0.693 को क्या लिख सकते हो, आपने इसको कैलकुलेट किया था तो ऐसे तो किया था 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस 2, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.693, और लॉग 10 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। तो यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू पुट करोगे, 0.3010, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.693। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा सेकंड ऑप्शन दे रखा है, सॉरी सेकंड ऑप्शन में तो लॉग बेस 10 है, ये ln 2 by k, ln 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2.303 log 10 base 2। तो फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 22, द रेट कॉन्स्टेंट k1 एंड k2, दो डिफरेंट रिएक्शन है और दोनों के आपको रेट कॉन्स्टेंट k1 और k2 दे रखे हैं। k1 की वैल्यू क्या है, ये है, और k2 की वैल्यू ये है। The temperature at which K1 is equal to K2, वह टेम्परेचर क्या होगा जिसमें K1 और K2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप K1 K2 की वैल्यू पुट कर दो, K1 is equal to K2, तो K1 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 16 e की पावर माइनस का 2000 अपॉन t is equal to K2 की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 15 e की पावर माइनस का 1000 अपॉन टी, ठीक है। अब आपको t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी सिंप्लीफाई कर लो इसको, 10 की पावर इधर 15 है, इधर 10 की पावर 16, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। अब आप इसको इससे डिवाइड करो, तो 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 2000 अपॉन टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, और ये कहाँ पे आएगा, इसके नीचे, e की पावर माइनस का
थाउजेंड अपॉन टी, ये ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 10 इंटू ई की पावर माइनस का थाउजेंड अपॉन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, एक काम करो इसको इधर लेके आओ ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए, तो इसको मैं सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस वैल्यू, जो ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, तो ई की पावर प्लस का थाउजेंड अपॉन टी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग लोगे दोनों साइड, इसमें क्या करोगे, टेकन द लॉग, तो लॉग ई बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ई बेस ई की पावर थाउजेंड अपॉन टी, थाउजेंड अपॉन टी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और लॉग 10 ई बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, इसको सबसे पहले तो आप किस में कन्वर्ट करोगे, लॉग 10 में करोगे, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, लॉग बेस ई दे रखा है, तो इसको आप लिख सकते हो 2.303 लॉग बेस 10 की पावर 10। तो देखो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.303 लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 2.303 इज इक्वल टू क्या आएगा, थाउजेंड अपॉन टी, और टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थाउजेंड अपॉन 2.303। ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, के वन अपॉन के टू की वैल्यू इक्वल होगी, ये काफ़ी टेस्ट 2 में भी आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है, इन ए रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, यानी कि अगर बी की कंसंट्रेशन डबल करते हो तो रेट डबल हो जाती है। ठीक है, तो देखो ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया इसने, एंड द रेट इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ एट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन कैन बी रिटन एच। तो देखो रेट लिख लो इसकी, आर बराबर के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये कोई इक्वेशन है आपके पास फर्स्ट। अब देखो यहां से पढ़ो आप, रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी जब बी की कंसंट्रेशन को डबल किया है, यानी ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, तो ए को आप क्या कर दे सकते हो, यहाँ पे नेग्लिफाई कर सकते हो, तो आर रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी जब बी की कंसंट्रेशन को क्या करते हो डबल, के ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, तो ए की पावर आप एक्स पुट कर दो और बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दो 2b की पावर वाई, ये इक्वेशन होगी सेकेंड। ठीक है, तो आप इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से अगर डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल, और इसको आप ओपन करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर वाई और बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर वाई, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आगे देखो क्या दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन कैन बी, तो देखो रेट एट फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है, तो एट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के दोनों की कंसंट्रेशन को डबल किया है तो 2a की पावर एक्स और 2b की पावर वाई, ये इक्वेशन क्या होगी, थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करोगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो देखो क्या आएगा, देखो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ के क्रिएट कर लेता हूँ, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, y इज इक्वल टू 1 आ चुका है, और r बराबर क्या लिखा था, k a की पावर x और b की पावर y, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी, अब इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ पे आप एट पुट कर दो, एट बाई वन इक्वल टू, देखो के से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा के, फिर ऊपर क्या आएगा टू की पावर एक्स, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल आउट, इधर क्या आएगा टू की पावर वाई, ठीक है। तो देखो वाई की वैल्यू क्या हो चुकी है, वन आ चुकी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू की पावर एक्स, टू की पावर वाई की वैल्यू क्या है वन, सो टू की पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर, और फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा टू की पावर टू रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, एक्स की वैल्यू टू हो जाएगी और वाई की वैल्यू वन है, तो राइट क्या हो जाएगी आर इक्वल टू के, ए की पावर क्या हो जाएगी टू और बी की पावर क्या हो जाएगी वन। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन उसको आप सिस्टमेटिक ढंग से करें। अगला फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, एच टू प्लस बी आर टू आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं एच बी आर, द एक्सपेरिमेंटल डाटा सजेस्ट रेट आपको ये दे रखी है, द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली, तो मोलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज चाहे वो एटम हो आयन हो मोलिक्यूल हो, अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी क्या हो जाएगी मोलिकुलरिटी। तो देखो दो मोलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी टू हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किसको देख के बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होता है इनकी पावर का जो एडिशन होता है वो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया वन और इसका ऑर्डर कितना हो गया वन बाई टू, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा आर ओ आर, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, देखो आप एच टू के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा वन, प्लस बी आर टू के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा वन बाई टू, तो टोटल कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, तो ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा और मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी टू, टू और थ्री बाई टू, कौन से ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इफ द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर, बिल्कुल कंसंट्रेशन को आप मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हो, द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर किसी भी रिएक्शन की आपको अगर यूनिट का मेजरमेंट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का तो उसके लिए आप क्या लिखोगे मोल, या आपने क्लास में पढ़ रखा होगा बच्चों मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस का वन सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन किसको रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, एन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो एन की वैल्यू वन पुट करो आप तो कौन सी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एन इक्वल टू वन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एन की वैल्यू यहां पे पुट करो वन, तो मोल वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, या भी वन माइनस वन जीरो, तो इसकी यूनिट क्या आएगी सेकेंड इनवर्स। तो आप ऐसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट के की यूनिट पता कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर सकते हो, सेकेंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, अगर के की वैल्यू दे रखी है तो उसकी यूनिट देख के आप बता सकते हो कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट के की यूनिट क्या है सेकेंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी सेकेंड इनवर्स, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेज टाइम इज, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है आफ्टर टी टाइम बाद। तो देखो जीरो डायरेक्शन के लिए क्या होता है, एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं जीरो डायरेक्शन के लिए, तो क्या होता है ए नोड माइनस का ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी, ए नोड यहां पे क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए टी क्या है आफ्टर टी टाइम बाद में कंसंट्रेशन, के यहां पे क्या है रेट कॉन्स्टेंट और टी यहां पे क्या है टाइम है, तो ए टी आफ्टर टी टाइम बाद में जो कंसंट्रेशन है वो किसके कुल हो जाएगी माइनस का के टी प्लस का ए नोट, तो इसका स्लोप क्या आएगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो इसका स्लोप क्या आएगा सिंपल सी बात है नेगेटिव आएगा नीचे की तरफ और क्या होगा लीनियर होगा, तो लीनियर विथ पॉजिटिव स्लोप, यानी स्लोप क्या होगा नेगेटिव, तो पहला गलत लीनियर विथ नेगेटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट, जीरो इंटरसेप्ट थोड़ी इंटरसेप्ट, तो क्या है यहाँ पे
जो सी है वो क्या है, ए नॉट जीरो इंटरसेप्ट तो नहीं होगा। थर्ड है लीनियर विथ नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, अगर अपन क्लास में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेम्परेचर आप 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे तो जो रेट कॉन्स्टेंट है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी प्रत्येक 5 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, तो प्रत्येक 5 डिग्री सेल्सियस पे रेट कॉन्स्टेंट के है वो 2 टाइम्स हो जाते हैं। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो रेट कॉन्स्टेंट है उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस से आप 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 20 से 25 रेट कॉन्स्टेंट के कितना है, 2 टाइम्स, 25 से 30 2 टाइम्स, 30 से 35 2 टाइम्स, 35 से 40 2 टाइम्स, तो कितने 2 हो गए, 4 हो गए, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 टाइम्स। यानी टेम्परेचर आप 20 से 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे तो रेट कॉन्स्टेंट कितना इंक्रीज हो जाएगा, 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट फॉर द गिवन रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन दे रखी है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, रेट आपको दे रखी है R1.05, R3.001, R2.89 और R4.10। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी कम होगी उसको आप स्लो स्टेप रिएक्शन लिख सकते हो, तो इसमें रेट किसकी कम है, थर्ड की, तो ये स्लोवेस्ट स्टेप है, दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप जिसकी रेट सबसे कम है, और रेट ऑफ रिएक्शन किससे निकालते हो आप, स्लोवेस्ट स्टेप से निकालते हो, तो विल बी डिटरमाइन क्या आपको कैलकुलेट करना है, स्टेप फर्स्ट बिकॉज द रिएक्शन स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ एक्स, तो इसकी तो रेट क्या है, ज्यादा है। सेकेंड स्टेप सेकंड बिकॉज इट इज फास्टेस्ट स्टॉप, सबसे फास्ट क्या होगी, सेकंड ही होगी, लेकिन आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें डिटरमाइन करना है कि रेट किससे डिटरमाइन होगी, तो रेट किससे डिटरमाइन होगी, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप से, तो स्टेप थर्ड बिकॉज इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ आरएनएस इक्वेशन, ये आरएनएस इक्वेशन दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाई, तो दोनों तरफ आप लोग ले लो, काफ़ी आपने सोल्व भी किया होगा क्लास के अंदर, इसका डेरिवेशन भी किया होगा और काफ़ी क्वेश्चनों के अंदर आता भी है, तो दोनों तरफ लोग ले लो आप, तो लॉग ई बेस के इज इक्वल टू लॉग ई बेस ए, ये लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, तो लॉग ई बेस ए लॉग ई बेस ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो लॉग ई बेस के इज इक्वल टू लॉग ई बेस ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी, लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी किससे कैलकुलेट करोगी, तो आप y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये स्लोप देखोगे तो स्लोप कितना आएगा, ई ए अपॉन आर, ये स्लोप आ जाएगा, और स्लोप से आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी ला, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस का ई ए अपॉन आर, इससे आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। ग्राफ किस में प्लॉट किया, लॉग ई बेस के और 1 अपॉन टी के बीच में, तो ग्राफ प्लॉट करोगे आप लॉग ई बेस के और 1 अपॉन टी के बीच में, तो ऐसा कुछ आएगा, इसमें स्लोप कितना है, माइनस का ई ए अपॉन
आर। तो इस स्लोप से आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी देर निकाल सकते हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, लॉग ई बेस के और वर्सेज 1/T, फोर्थ ऑप्शन दे रखा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द रेट कॉन्स्टेंट के फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट के दे रखा। दिस विच इक्वेशन गिवन बिलो डेस्क्राइब द ऑफ N2O5 विथ टाइम, N2O5 जीरो टाइम, N2O5 जीरो का मतलब क्या है, टी बराबर जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन है, और N2O5T का मतलब टी टाइम पे कंसंट्रेशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू कंसंट्रेशन N2O5 इनिशियली एंड एट टी टाइम। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। किस कैसे पता लगा, क्योंकि इसका रेट कॉन्स्टेंट के की यूनिट क्या दे रखी है, सेकेंड इनवर्स दे रखी है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने चेक किया था, रेट कॉन्स्टेंट के की यूनिट अगर सेकेंड इनवर्स है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है एक्सप्रेशन, लॉग सॉरी के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस, यहां पे क्या आएगा एनोड अपॉन 80। तो यहां पे एनोड क्या है, N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसको क्या लिखोगे 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस N2O5 जीरो कंसंट्रेशन पे और N2O5 T कंसंट्रेशन पे। अब देखो कौन सा रिलेशन सही होगा इसके अंदर। तो इस T को आप KT से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो KT इज इक्वल टू इसको आप क्या लिख सकते हो 2.303 लॉग बेस TN है, तो इसको आप 2.303 को लॉग 10 बेस में आप कन्वर्ट करोगे, तो इसको लिख सकते हो लॉग ई बेस, तो इसको लिख सकते हो आप लॉग ई बेस N2O5 जीरो और N2O5 T टाइम्स। देखो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन दे रखा, तो पहला नहीं है, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन, एक कोई सब्सटेंस है जिसका डीकम्पोजिशन हो रहा है बी और सी के अंदर, इसके रेट कॉन्स्टेंट आपको K1 दे रखे हैं, K2 दे रखे हैं, जो दोनों पैरेलल इक्वेशंस हैं, तो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इनके लिए द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो बी का रेट कॉन्स्टेंट क्या है, K1, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, कैसे लिखोगे, बी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। तो K1 की वैल्यू देखो कितनी देर की है, 1.26 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। नीचे K1 प्लस K2 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे, तो इसको 10 की पावर माइनस 4 बनाओ, तो ये क्या आ जाएगा 0.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। इनको आप ऐड करो तो क्या आएगा, 1.26 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 प्लस 0.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। ये दो वैल्यू आ गई, और ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ बी कितना आएगा, तो K1 कितना दे रखा है, 1.26 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 अपॉन, इन दोनों को ऐड करो आप, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 और 6 कितना होगा 14, 16.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ बी। तो देखो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल आउट, ऊपर 126 नीचे 164, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी बार जाएगा, तो बी का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, लगभग परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू 12600 अपॉन 164, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग 7 टाइम्स जाएगा, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 76.83%, ये बी का परसेंटेज आएगा।
तो सी का भी आप निकाल सकते हो, सी में आप कैसे निकलोगे परसेंटेज ऑफ सी आप कैसे निकालोगे, तो के टू, के टू कितना देर का है 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 अपॉन नीचे टोटल कितना है, टोटल है 1.64 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू 100, ये सी का परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। और सी का परसेंटेज सीधा भी निकाल सकते हो, अगर बी का निकाल लिया तो उसको 100 में से आप क्या कर दो माइनस कर दो, तो सी का परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा आपको, डेल्टा एच नेगेटिव है, इट मीन्स मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव इट मीन्स एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन क्या होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और इसमें डेल्टा एच कितना है माइनस का 44.12 किलो कैलोरी, ठीक है। और जब आप डेल्टा एच निकालते हो एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में, ये ईए फॉरवर्ड और ये वैल्यू क्या होगी ईए बैकवर्ड, डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड, ठीक है। इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस क्या है जो डेल्टा एच है वो क्या ये फॉरवर्ड ज्यादा ये बैकवर्ड कम है, तो ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा एंडोथर्मिक का, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, अपने को तो डेल्टा एच नेगेटिव चाहिए। अब देखो आप, ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ई1 है, अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखें तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी ई2 हो जाएगी, तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव कब आ सकता है, ये वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है जब ई1 की वैल्यू ज़्यादा हो किससे ई2 से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्या क्वेश्चन है पढ़ो आप क्वेश्चन को, देखो बच्चों, फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन अलोंग विथ एक्स एक्सिस बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो, जीरो रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2k, ये होता है जीरो रिएक्शन का, यानी कि इसमें आपको क्या दे रखा है कि x एक्सिस के पैरेलल आएगा टी हाफ और a के बीच में अगर कंसंट्रेशन प्लॉट करें तो बिल्कुल इसके अंदर तो आ ही नहीं सकता, टी हाफ क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो ऐसा तो देर का नहीं है, इसका मतलब जीरो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने बताया था जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है, तो देखो टी हाफ इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होगा, इट मींस किस ऑर्डर की रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ग्राफ आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 34, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ आपको कितना देर का है 10 मिनट, और होता क्या है अभी लिखा था 0.693 अपॉन के, इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ दिस, इनिशियल अमाउंट कितनी देर की ए नॉट 0.08 एंड कंसंट्रेशन एट सम इंस्टेंट के बाद में कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, यानी 80 बाद में कितनी है 0.01, आपसे टाइम पूछा है तो देखो के कितना होगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन 10, दिस इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस 0.08 अपॉन 0.01, पॉइंट को पॉइंट से हटाओ तो ये लॉग 10 बेस 8, और लॉग 10 बेस 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया 0.693 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, इसको क्या लिख सकते हो 8 को 2 की पावर 3,
तो लॉग 10 बेस 2 की पावर 3, 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2.303 लॉग 10 बेस 2 अपॉन टी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.693। अभी एक पिछले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था, तो 0.693 से 0.693 कैंसिल, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन गिवन बाय एक्सप्रेशन दिस के ए से बी, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेरिएबल इज सडनली बाय रिड्यूस 1/4 टाइम्स, कंसंट्रेशन को क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया, ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम द रिएक्शन रेट रिलेटिंग टू ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल रेट लिख देता हूं आर इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को आप कैसे पुट करोगे, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को कितना कर दिया 1/4 टाइम्स, यानी जो वी डेस है वो कितना हो जाएगा V/4 आ जाएगा। तो देखो रेट क्या हो जाएगी R इज इक्वल टू के, एक की जगह आप क्या पुट करोगे मॉल अपॉन V/4, इधर मॉल अपॉन V/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 आ जाएगा के मोल अपॉन लीटर को आप वापस ए की फॉर्म में लिख दो ए और बी, ये क्वेश्चन क्या होगी सेकंड और ये क्वेश्चन क्या होगी फर्स्ट, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16 टाइम्स, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 1.386 मोल डेसीमीटर -3 ऑफ ए सब्सटेंस बिकम हाफ इन 40 सेकेंड, ये कंसंट्रेशन इनिशियल दे रखी है और जब सब्सटेंस हाफ हो जाता है तब 40 सेकेंड और 20 सेकेंड दे रखी है आपको, तो दो सेम रिएक्शन कंडीशन की इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद में जिनका हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है वो कितना है 40 और 20 थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेशियो K1 अपॉन K2 ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K1 एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन K0, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K1 क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो K1 है वो क्या होगा, K1 इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी हाफ, और टी हाफ कितना दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 40 सेकेंड, तो 0.693 अपॉन 40, और जीरो रिएक्शन का जो के नोड है वो आप किस से रिप्रेजेंट करोगे ए नोड अपॉन 2 इंटू टी हाफ, ये रिलेशन सबको पता होगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1.386, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का यूज ही नहीं होगा, लेकिन सेकेंड ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या आएगी इनिशियल कंसंट्रेशन आएगी अपॉन 2 इंटू टी हाफ, कितना हो गया 20, तो 1.386 अपॉन 2 इंटू 20 कितना हो गया 40। आपसे क्या पूछा K1 अपॉन K2 का रेशियो पूछे, तो K1 ऊपर पुट कर दो, तो K1 अपॉन K0, तो K1 कितना दे रखा आपको 0.693 अपॉन 40, और के नॉट कितना दे रखा है 1.386 अपॉन 40, तो 40 से 40 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और 0.693 का 1.386 में कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हो आप 0.5, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है 0.5 दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 37, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से पी द टेम्परेचर पी टी डिपेंड रेट कॉन्स्टेंट के वॉज फाउंड टू फॉलो द इक्वेशन लॉग 10 बेस के इज इक्वल टू माइनस का 2001/T प्लस 6.0 द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एंड एक्टिवेशन एनर्जी,
तो देखो अभी अपने एक रिलेशन किया था डेराइव आर एन एस इक्वेशन से, के बराबर ए ई माइनस का ई ए अपॉन आर टी। इसको लॉग लेके आप डेराइव करोगे तो क्या आएगा, लॉग 10 बेस के इज इक्वल टू लॉग 10 बेस ए माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू टी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो क्या आएगा, देखो लॉग 10 बेस ए की वैल्यू क्या आएगी 6, तो लॉग 10 बेस ए इक्वल टू क्या है 6, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। ये तो एक इक्वल आ गया। फिर इसको इसके साथ कंपेयर करो तो नेगेटिव इसमें भी आ रहा है, नेगेटिव इसमें भी आ रहा है, 1/t आ रहा है, यानी ई ए अपॉन 2.303 आर किसके इक्वल हो गया, 2000 के इक्वल हो जाएगा। तो ई ए अपॉन 2.303 आर की वैल्यू देखो किस में, जूल में, तो 8.314 इक्वल टू क्या आएगा 2000। तो यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 19.14, तो ये आएगा 19.14 इंटू 2000। ये जूल में आएगा, किलो जूल में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 38.28 किलो जूल पर मोल। ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गई और ये ए की वैल्यू आ गई प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ए की वैल्यू क्या है 10 की पावर 6 और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 38.3। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 38 प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट के विद टेम्परेचर। तो देखो के और टेम्परेचर के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है तो कौन सा ग्राफ सही होगा। तो वी नो दैट आर एन एस इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल टू ए ई माइनस का ई ए अपॉन आर टी। तो के और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है तो आप टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर लो, टी की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, टी यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो टेम्परेचर जब 0 होगा तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, टी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब एक वैल्यू पुट कर लो इनफाइनाइट, तो यहाँ टी इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो ऊपर क्या जाएगा ई की पावर माइनस 0, यानी ई की पावर माइनस 0 जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ पे के क्या होगा 0 होगा और यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो कौन सा ग्राफ है, देखो तो देखो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, जब टी बराबर 0 तो के बराबर भी 0। तो देखो सेकंड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन, फर्स्ट। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा के की वैल्यू वेरीज होगी और कहाँ पे जाएगी के इक्वल टू ए के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन पी प्लस क्यू सी आर प्लस एस द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ पी इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 55 रिएक्शन। सो 50% रिएक्शन ऑफ पी द कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू वेरीज विद रिएक्शन टाइम एज शोवन। तो देखो ये ग्राफ आपके बीच में प्लॉट कर रखा है ए नॉट और टाइम टी के बीच में। तो इस ग्राफ से आपको कैसे पता लगेगा कि ये 0 डायरेक्शन है कि फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन है। तो देखो आप अगर सिंपली अच्छे से चैप्टर को पढ़ रखा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब टी 50% जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, या इसको आप टी हाफ भी बोल सकते हो, तो क्या लिखते हो आप 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस एन ऑर्ड अपॉन 80 की जगह 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी तो बची कितनी 50%, तो एन ऑर्ड अपॉन 2 आ जाएगा, एन ऑर्ड से एन ऑर्ड कैंसिल, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 2.303 लॉग 10 बेस 2 अपॉन के, ये हो जाएगा टी 50%। अब आपको टी 75% निकालना है, यानी 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो बची कितनी वो यहाँ पे पुट कर दो आप, तो 25% बची, तो टी 75% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस
एनॉड अपॉन 80 की जगह 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो बची कितनी यहाँ पे वो पुट कर दो 25%, तो 25 अपॉन 100 इनिशियल की, तो ये कितना जाएगा 1/4, एनोड से एनोड कैंसिल, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस 4, और लॉग 10 बेस 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस 2 की पावर 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो टी 75% है वो क्या होगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो देखो क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी आगे, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ आएगा 2 इंटू दिस, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टी हाफ, दिस इज द टी हाफ, तो टी 75% क्या हो गया 2 इंटू टी हाफ, तो ऐसा कौन सी रिएक्शन में दे रखा है, ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आप सोल्व करोगे तब आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आप सोल्व करके देख लो, एनोड माइनस का 80 इक्वल टू के टी, क्या के की वैल्यू सेम आ रही है, अगर सेम आ रही है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी, अगर सेम नहीं आ रही तो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को चेक करोगे, तो ऐसा कौन से में दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 है, फॉर द नॉन स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको गिवन है, द फॉलोइंग काइनेटिक डाटा वर ऑब्टेन इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट, तो देखो ऐसा क्वेश्चन बच्चों अपन ने पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें अपन ने क्या किया था, 4 इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, और उसमें रेट रूल लिखा था आर इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, इसमें भी आप क्या करोगे रेट लिखोगे और ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, बी की कंसंट्रेशन दे रखी है, ऐसे आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन 1 आएगी, ऐसे इक्वेशन 2 आएगी और ऐसे इक्वेशन 3 आएगी, ठीक है, इनको आपस में आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई यहाँ पे क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो रेट लो निकाल सकते हो या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कैलकुलेट कर सकते हो, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो आप DTS देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ये एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और इसके लिए आपको DA/DT कैलकुलेट करना है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, तो आप इसको कैसे पुट करोगे, माइनस DA/DT इज इक्वल टू, इसकी रेट कैसे लिखोगे आप, K1A2 इज इक्वल टू माइनस, ये तो देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, माइनस के माइनस वन ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप आओगे तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा A हो जाएगा, इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन को क्या लिख सकते हो 1/2 DA/DT, आपसे क्या पूछा है DA/DT पूछा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, आपके पास क्या आ गया प्लस 1/2 आ गया, तो 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आएगा कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा 2K1A2 की कंसंट्रेशन माइनस 2K A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल टू DA/DT, ये इक्वेशन आएगी, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, तो देखो ऐसा कौन सा दे रखा है ऑप्शन, ऐसा आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द रिएक्शन 2x से बी इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन x की दे रखी है आपको 0.2 m, हाफ लाइफ रेट कितना दे रखा है 6 hours, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x 0.5, देन टाइम रिक्वायर टू रीच इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 m, तो आपको क्या पूछा है इसमें, टाइम पूछा है जब कंसंट्रेशन क्या हो 0.2 m तक पहुंच जाए,
तो देखो जीरो डायरेक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है, पहले इन्फॉर्मेशन आप पुट कर लो। तो टी हाफ जीरो डायरेक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ऐसा आपको याद होगा। लेकिन फर्स्ट रो डायरेक्शन का जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.2 अपॉन 2k। और टी हाफ कितना देर का है, 6 आवर्स। तो यहाँ पे 6h लिख दो आप, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.2 अपॉन 2 × 6। तो ये अब कितना आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा, यानी k रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन x की 0.5 है, जो फाइनल कंसंट्रेशन 0.2 में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो जीरो डायरेक्शन के लिए एक्सप्रेशन क्या है, ए नॉड माइनस का ए टी इज इक्वल टू के इन टू टी। टाइम आपको कैलकुलेट करना है जब कंसंट्रेशन 0.5 से 0.2 में कन्वर्ट हो जाए। तो 0.5 माइनस 0.2 इज इक्वल टू के कितना दे रखा है, 1/60 इन टू टी। तो ये कितना आएगा, 0.3 आएगा, इन 0.3 इन टू 16। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18 आवर्स आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। फॉर ए रिएक्शन स्कीम है, ए से बी के1 दे रखा है, बी सी सी के2 दे रखा है, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0। इन रेट ऑफ फॉर्मेशन बी क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आप कैसे लिखोगे, डी बी अपॉन टी टी। यह आपने केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से पढ़ रखा स्टार्टिंग में। इक्वल टू आप इसकी रेट क्या लिखोगे, के वन ए माइनस के टू बी। और क्वेश्चन में इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो आप इसको पुट कर सकते हो, के वन ए की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टू बी की कंसंट्रेशन। तो बताओ बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो बी की कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, बी की कंसंट्रेशन हो जाएगी के वन अपॉन के टू इंटू ए। तो बी की कंसंट्रेशन जाएगी के वन अपॉन के टू इंटू ए। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये जेई मैन में भी क्वेश्चन आ चुका है, जेई मैन 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आर विथ टाइम फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड द रेस्पेक्टिव ऑर्डर फॉर द रिएक्शन। यानी कि आपको ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा है फर्स्ट और सेकंड में, और आपको पता करना है ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो देखो आपको पता लग रहा है एल एन आर, यानी इसमें लॉग आर है और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट है, इसमें सिंपल आर आर है और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट है। तो इसको आप इजी वे में कर सकते हो, लॉग किस में आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, और आर किस में आता है, जीरो डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ तो अपन सोल्व कर लेंगे। तो देखो जीरो डायरेक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है, जीरो डायरेक्शन ए नॉट माइनस का ए टी इज इक्वल टू के टी। तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के टी प्लस का ए नॉट, सॉरी यहां पे ए टी आएगा, ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है और ये कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम बाद में, इट मीन्स सेकेंड इक्वेशन क्या है, जीरो डायरेक्शन है। तो फर्स्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन। आप इसको सोल्व करके भी बता सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं। मैंने आपको बताया ना एल एन लॉग किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन में आएगा, और आर किस में आ सकता है, ये जीरो डायरेक्शन में आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन होगी और सेकेंड क्या हो जाएगी, जीरो डायरेक्शन हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन इज के, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%। जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जाती है तो रेट कॉन्स्टेंट के और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये आपसे पूछ रहे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट के का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हो, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस ए नॉट अपॉन ए टी। रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हो चुकी है, 99% कंप्लीट हो चुकी है। तो 80 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन पुट कर दो, 99% कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी रिएक्शन, 1%।
तो 1% को नीचे क्या लिखोगे, 100, किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन की, तो ये यहाँ पे पुट कर दो, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस, ऊपर ए नोड और ए टी की जगह क्या लिखोगे, ए नोड अपॉन 100, ए नोड से ए नोड कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा लॉग 10 बेस 100, 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2, 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 2 को 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4.606 अपॉन टी, तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो ऐसा किस में दे रखा है, टी को आप उधर लेके जाओ, के को नीचे लेके आ जाओ, तो ऐसा कौन सा दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ठीक हो बच्चों, ऐसे अपन ने केमिकल काइनेटिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर के 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके साथ फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी 7 चैप्टर में कैटेगराइज किया था फिजिकल केमिस्ट्री को, ऐसे ऑर्गेनिक को 7 चैप्टर में किया था, ऑर्गेनिक को 7 में सॉरी इनऑर्गेनिक को 6 चैप्टर में क्या किया था, कंप्लीट किया था, तो लगभग आज सभी जो केमिस्ट्री पंच है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से सोल्व करें, एक एक क्वेश्चन को देखें, बिना सॉल्यूशन देखे आप इनको एक बार सोल्व करें, अगर समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता है तो इनको आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।